फाइनली मैं पहुंच चुका हूं गोवा का सबसे फेमस चर्च, और यकीन मानिए ये काफी ज्यादा बड़ा चर्च है और काफी फेमस है। अगर आप केलंगट में रहते हो तो ये 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये चर्च है पंजिम में। ये जो चर्च है वो पंजिम में है। गोवा जो है अपने एक और चीज़ के लिए भी जाना जाता है और वो है कसिनो। जी हाँ, गोवा में ढेर सारे कसिनो है और स्पेशली पंजिम में। यहाँ का ओल्ड चर्च है ये वाला, और उससे भी बड़ा चर्च है ये इस तरफ। मुझे लगा पहले ये बंद था, लेकिन मैंने यहाँ के लोकल से पूछा तो बोला कि भाई चालू है, बंद नहीं है। मैं स्पेशल यहाँ पे आया हूँ रिट्स क्लासिक में, तो ये है उनका मेनू। ये जो आप देख रहे हो ये जो ड्राई प्रॉन्स होते हैं उससे ये बनाया हुआ है। करते हैं फिश अमरतिक। अमरतिक का मतलब होता है खट्टा मीठा। तो रेड वाली जो करी है ये फिश अमरतिक है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल ट्रैवल डायरी। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अख्तर। इस वक्त मैं हूं गोवा में और आज मैं जाने वाला हूं पंजिम, जो कि गोवा का कैपिटल है। और पंजिम में एक बहुत ही फेमस चर्च है। वैसे तो गोवा में काफ़ी ज़्यादा चर्च है, लेकिन ये जो चर्च है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। लोग फोटोग्राफी करने के लिए वहाँ पर जाते हैं, तो मैं भी वहाँ जाने वाला हूँ और उसके बाद पंजिम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। वहाँ पर पोर्चुगीज ज़माने के ओल्ड हाउसेज है, वैसे वो जो कलरफुल जो हाउसेज होते हैं ना वो सारे वहाँ पर है। मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं वहाँ पर फर्स्ट टाइम जाने वाला हूँ, तो गूगल पर ढूंढ के मैं जाऊँगा। उसके बाद अगर टाइम मिला तो वहाँ पर एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है, ओके, वहाँ पे खाने के लिए जाऊँगा। लेकिन अगर टाइम मिला तो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर मतलब जा नहीं पाता मैं। लेकिन सबसे पहले मुझे जाना जहाँ से मैंने गाड़ी ली थी। मैंने 2 दिन के लिए रेंट पे ली थी, लेकिन मुझे वो गाड़ी बहुत अच्छी लगी, उसका कलर बहुत अच्छा, चलने में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, मस्त गाड़ी है। तो सोच रहा हूँ कि और 2 दिन भी यही गाड़ी मैं रख लूँ, तो मैं उसको जाके बोलूँगा, उसके जो पैसे होते हैं वो मैं दे दूँगा ना, और उसके बाद फिर मैं निकलूँगा पंजिम के लिए। वैसे 9:15 हो चुके हैं, गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी अभी, तो फिलहाल मुझे फटाफट निकलना चाहिए। तो चलिए चलते हैं पंजिम। तो गाइस, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं गोवा का सबसे फेमस चर्च, और यकीन मानिए ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा चर्च है और काफ़ी फेमस है। ये एक्चुअली पूरा आप देख रहे हो, ये पीछे पूरा मार्केट है, ओके, पंजिम का ये मेन एरिया है और इस मेन एरिया में ये चर्च है। आप देख सकते हो मेरे पीछे, ये वही चर्च है, काफ़ी ज़्यादा फेमस, और बहुत सारे मूवीज़ में भी आपने ये चर्च को देखा होगा। एक्चुअली अगर आप केलंगट में रहते हो तो ये 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये चर्च है पंजिम में। ये जो चर्च है वो पंजिम में है, और केलंगट से अगर आप आते हो तो आपको 12 किलोमीटर लगेगा यहाँ पहुँचने में। यानी समझो ना कि अराउंड 20 मिनट 25 मिनट आपको लगती है यहाँ पहुँचने में। एक्चुअली दूसरे 2-3 चर्च है, वहाँ भी मैं जाने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे यहाँ पर आना था। और काफ़ी खूबसूरत जिस तरह से इसे बनाया गया है, आप देख सकते हो जिस तरह से इसे बनाया गया है।
तो गाइस ये हो गया गोवा का सबसे पहला फेमस चर्च। अब मैं जाने वाला हूँ यहाँ के दूसरे फेमस चर्चेस, तो जो यहाँ से कुछ 10 से 15 मिनट के डिस्टेंस पे, तो चले चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं कि वो चर्च कैसा है। गोवा जो है अपने एक और चीज़ के लिए भी जाना जाता है और वो है कसिनो। जी हाँ, गोवा में ढेर सारे कसिनो है और स्पेशली पंजिम में। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये जो शिप खड़ी है ना, ये एक्चुअली है कसिनो। बिग डैडी, मैजेस्टिक प्राइड, ये बहुत बड़े कसिनो है गोवा के। और वो जो आप देख रहे हो ये किंग्स कसिनो। कसिनो में जाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ से टोकन लेनी पड़ती है। इनकी जो मेन ऑफिस होती है वो यहाँ इस तरफ रोड पे होती है और वहाँ से आपको टोकन लेना पड़ता है। और टोकन लेने के बाद उनकी बोट में वो आपको लेके जाते हैं ये शिप पे, ये जो खड़े हैं यहाँ पे। और उसके बाद आप चाहो उतना खेल सकते हो। एक्चुअली मैं तो कभी गया नहीं हूँ कसिनो, उसके लिए मुझे कसिनो के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। और अगर आपको जाना है तो आपको पहले आना है पंजिम। पंजिम पे आके ये जो है जैसे कि कसिनो, मजेस्टिक प्राइड, ओके, ये जो शिप खड़ी है उसकी ऑफिस यहाँ रोड पे ही होती है, उसकी जो मेन ऑफिस होती है यहाँ रोड पे ही होती है। तो वहाँ से आपको टोकन लेना है और टोकन लेने के बाद फिर बोट में बैठ के आप ये जो शिप है वहाँ पे जा सकते हो। तो गाइस चलिए, पहुंच चुका हूं ओल्ड गोवा में। और ये आप देख रहे हो मेरे पीछे, ये यहाँ का ओल्ड चर्च है ये वाला, और उससे भी बड़ा चर्च है ये इस तरफ। मुझे लगा पहले ये बंद था, लेकिन मैंने यहाँ के लोकल से पूछा तो बोला कि भाई चालू है, बंद नहीं है। तो फिलहाल सबसे पहले मैं जाऊँगा ये साइड वाले चर्च में इस तरफ, ओके, और उसके बाद फिर मैं जाऊँगा यहाँ पे। ये दोनों चर्च काफ़ी बड़े हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि मेन चर्च ये वाला है। वैसे गोवा में चर्च तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये वाला जो चर्च है वो बहुत ही बड़ा चर्च है और काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो चलिए यहाँ से मेरे ख्याल से एंट्रेंस है, तो देखते हैं। तो गाइस ये वाला जो चर्च है आप देख रहे हो मेरे पीछे, ये ओल्ड चर्च है, उसके सामने वाला चर्च है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ये भी। और यहाँ पे ज़्यादा फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन आप देख सकते हो। एक्चुअली पुलिस वाले बाहर ही खड़े, तो जो लोग फोटोग्राफी करें उनको पकड़ पकड़ के चलन फाड़े, क्योंकि यहाँ पे फोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आप चाहे तो बाहर से, ये जो आप देख सकते हो बाहर का जो एरिया है, वहाँ से आप क्लिक कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ अंदर आके क्लिक नहीं कर सकते। वैसे तो गोवा में बहुत सारी रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन इस वक्त मैं हूँ गोवा की सबसे फेमस रेस्टोरेंट जिसका नाम है रिट्स क्लासिक। जी हाँ, आप इंटरनेट पे इसके जो रिव्यू है वो पढ़ सकते हो। सिर्फ कैलंगड़, बागा या फिर पंजी में नहीं, पूरे गोवा की सबसे फेमस रेस्टोरेंट है रिट्स क्लासिक। और ये समझो ना कि आप जैसे पंजी में आते हो, आप किसी को ही पूछोगे तो कोई भी आपको बता देगा यहाँ का एड्रेस। और थैंक यू। तो मैं स्पेशल यहाँ पे आया हूँ रिट्स क्लासिक में, तो
ये है उनका मेनू, तो मैं मेनू में फिर आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें। वैसे तो यहाँ की जो फिश थाली है वो सबसे ज़्यादा फेमस है, ओके, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन फ़िश थाली जो है वो सिर्फ और सिर्फ पंजिम में ही नहीं बल्कि पूरे गोवा में। इससे पहले जो मैंने जो इसके पहले वाला जो व्लॉग था उसमें मैंने जो फ़िश थाली खाई थी वो डिफरेंट थी, उसमें मतलब वेराइटी इतनी नहीं थी, लेकिन ये जो है मुझे किसी एक जन ने नहीं, मुझे बहुत लोगों ने मुझे बोला कि अगर आप गोवा जाते हो तो वहाँ पर ये रेस्टोरेंट में जाके आप फ़िश थाली एक बार ज़रूर ट्राई करना। और यहाँ के लोकल से ही मुझे बोला था, इवन कि जब मैं एयरपोर्ट से आ रहा था जो टैक्सी ड्राइवर थे उन्होंने मुझे बोला था कि यहाँ पे रिट्ज़ क्लासिक में एक बार यहाँ की जो थाली है वो एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। तो फिलहाल मैं आया हूँ रिट्ज़ क्लासिक में और मैं यहाँ का मेनू देखूँगा, लेकिन मेरा तो ऑर्डर कन्फर्म है कि मैं एक फ़िश थाली मंगवाने वाला हूँ और मैंने ऑर्डर भी कर दी है, वो भी थोड़ी देर में आएगी। फिर भी चले देखते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या चीज़ मिलती है। एक ट्रैफिक आएगा, ओके, करी आएगा प्रॉन्स का, ओके, तीसरी किसमूर अमृतिक सोन कड़ी पापड़, ओके, और एक स्वीट रहेगा। और एक स्वीट रहेगा, ये अनलिमिटेड होता है क्योंकि नहीं लिमिटेड, ये लिमिटेड होता है। गाइस मेरी जो थाली है वो आ चुकी है और आप यकीन नहीं मानोगे बहुत सारी वैरायटी है। मैंने इससे पहले वाली जो थाली खाई थी तब उन्होंने दो तीन आइटम ही दी थी मुझे, लेकिन इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चीज़ से इन्होंने मुझे ये पूरी थाली भर के दी है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें, फ़िश करी है, अमरती है, ओके, इसके बाद स्वीट है और ड्राई प्रॉन्स जो होते हैं, चलिए वो जो ड्राई प्रॉन्स जो होते हैं उससे बनाई हुई एक चीज़ है ये जो है वो, ये पूरा जो आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो ये जो ड्राई प्रॉन्स होते हैं उससे ये बनाया हुआ है, और ये जो होता है ना वो सी शेल जो होता है ना उससे ही बनाया हुआ, ये वही है मतलब सी शेल से। मैं आपको खा के बताऊँगा ये खाने में कैसा लगता है। और उसका फ्राई फिश है और फिश करी है और स्टीम राइस है, बहुत सारी चीज़ें इसमें दी है। तो भाई मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है, मैं तो अब ट्राई करने वाला हूँ कि ये सारी चीज़ें कैसी है और मैं आपको खा के बताऊँगा ये जो फ़िश थाली है वो खाने में कैसी लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज़ करके ट्राई करेंगे। जो टेस्ट आ रहा है वो हर बार की तरह फ्रेश कोकोनट और चिली थोड़ा तीखा है और स्टीम राइस और इनकी जो बनाने की जो उससे जो स्पाइसेस होंगे जो उन्होंने डाले हैं। मैंने दो बार फिश करी खाई है लेकिन ये कुछ अलग है, इसकी जो स्मेल आ रही है ना आप यकीन नहीं मानोगे, इसकी जो स्मेल आ रही है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है बाकी की जो फ़िश करी जो अभी तक मैंने खाई है सच में। अब मैं ट्राई करने वाला हूँ मसल्स, ये देखिए इसको, इसका जो होता है वो इस तरह से ऐसे लेके, इसका जो मीट होता है वो ऐसे लेके, वाओ, स्वीट है एकदम, मतलब मीठा लग रहा है। इसमें सच बताऊँ आपको, मैंने खुद ने ये चीज़ पहली बार ट्राई की है, मुझे पता नहीं था ये इतना अच्छा लगता है। वाह, ऊपर से फिर ये जो निकलता है ये ऊपर का जो भाग है इसको ऐसे आपको रख देना है। और अब मैं ट्राई करने वाला हूँ ड्राई प्रॉन्स, देख सकते हो ये है ड्राई प्रॉन्स। और ओके, वाओ, इसे बनाया गया है अनियन है और छोटे छोटे जो प्रॉन्स होते हैं छोटे छोटे उसे ड्राई करके उसको बनाया गया है, और गार्लिक है, और उसके बाद इनके जो खास स्पाइसेस होते हैं उसे बनाया गया है।
चलिए अब ट्राई करते हैं फिश अमरतिक। अमरतिक का मतलब होता है खट्टा मीठा। तो रेड वाली जो करी है ये फिश अमरतिक है। और चलिए ओ वाओ एकदम से खट्टा मीठा है और स्पाइसी है, जैसे कि जो टमाटर होता है। ओके तो मेरे ख्याल से इसे बनाई गई है रेड चिली और टमाटर और उसके बाद मेरे ख्याल से इसमें वो आमचूर होता है ना पाउडर, वो भी डाला हुआ है, क्योंकि वो खट्टा वैसा उस तरह का खट्टा लग रहा है। वो जो जो लेमन वाला जो खट्टा होता है ना, ये वैसा नहीं लग रहा है, ये उस तरह का खट्टा लग रहा है मुझे। तो वाह देख सकते हो ये जो फिश है इस थाली में। आप फिश थाली लेते हो उसमें सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो होती है वो फ्राई फिश होती है। तो चलिए ये ट्राई करते हैं ये खाने में कैसे। वाओ 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 इसे फ्राई किया है, जो रवा होता है ना उसमें से फ्राई किया है और ऑयल बहुत ज़्यादा कम है इसमें। आप जब भी गोवा आते हो मैं तो बोलता हूँ आप यहीं पर खाना आ जाए कीजिए, अगर नहीं आप बहुत तो एक बार तो ज़रूर आइए। मैं चलिए ये जो दिया है कोकम का पानी ही बोल सकते हो आप इसे, कोकम का पानी ये डाइजेस्ट के लिए होता है। अगर आप फिश थाली खाते हो या बहुत लोगों को ये जो फिश होती है वो डाइजेस्ट नहीं होती है, तो ये जो कोकम का जो पानी होता है, एक्चुअली मैं नाम भूल गया हूँ, मैं वापस वो भाई साहब आएंगे तो उनको पूछूंगा। तो ये एक तरह का कोकम का पानी होता है, इसमें मिर्ची से बनाते हैं इसको, तो इसको तो मैं ऐसे ही पीऊँगा डायरेक्ट। वाह यार इसमें जलजीरा भी डाला हुआ है सच में। अब छाछ पीते हो ना ये वैसा ही टेस्ट आ रहा है, सिर्फ इसमें कोकम है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जो है यहाँ के मैनेजर है रिट्स क्लासिक जो फेमस रेस्टोरेंट है उसके ये मैनेजर है। तो सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। और आपका जो खाना था मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं मैं उनको बोलूँगा कि वो स्पेशल यहीं पे आए ना, जो लोग मेरा ये वीडियो देखने वाले हैं उनको ही मैं बोलूँगा कि आप प्लीज़ एक बार अगर जब भी गोवा आते हो तो यहाँ पर आप विज़िट ज़रूर कीजिए। आपका नाम क्या सर? भास्कर शेट्टी। भास्कर शेट्टी जी ये यहाँ के मैनेजर, इनकी बहुत सारी ब्रांच है लेकिन ये सबसे पुरानी और सबसे फेमस है।